ये सभापति जी, पिछली विधानसभा में इन तीन राज्यों में हमें जितने वोट मिले थे, इस लोकसभा चुनाव में इन तीन राज्यों में मैं उससे भी ज्यादा वोट मिले हैं। आदरणीय सभापति जी, पंजाब में भी हमारा अभूतपूर्व प्रदर्शन रहा है और हमें बढ़त मिली है। जनता जनार्दन का भरपूर आशीर्वाद हमारे साथ है। आदरणीय सभापति जी, 24 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए। विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। आदरणीय सभापति जी, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं जरा अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बताता हूं। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहला देकर काम चल रहा है।